एक गांव का लड़का जो गांव में पैदा हुआ, जिसकी पढ़ाई लिखाई गांव में शुरू हुई, गांव में पढ़ रहा है। अब गांव में समाज में कभी ऑडी बीएमडब्ल्यू तो जाती नहीं। गांव में अगर आदमी फोर व्हीलर निकालता है तो वैगनर निकाल लेता है, थोड़ा पैसे वाला है बोलेरो निकाल लेगा, थोड़ा और पैसे वाला है तो स्कॉर्पियो निकाल लेगा। यस एंड नो। गांव में बाइक की अगर बात करें तो लोग स्प्लेंडर प्लस निकाल लेता है, सुपर स्प्लेंडर निकाल लेगा, थोड़ा शौकिया है तो अपाचे पल्सर निकाल लेगा, थोड़ा अपने आप को दादा समझता है तो बुलेट निकाल लेगा। यस एंड नो। इससे आगे कभी कोई निकालेगा नहीं। अब समाज यानी संगत का असर क्या होता है? गांव में आप किन दोस्तों के साथ बैठते हैं? जो किसी किसान परिवार के बेटे होंगे, जिनकी हाई स्कूल हुई होगी, किसी की इंटर हुई होगी और इंटर में भी पास हुआ होगा तो धक्का मार के। अब ऐसे चार लोगों के बीच में बैठ के क्या बातें होंगी? कोई राजनीति की बात कर रहा होगा, तो कोई पड़ोसी की गर्लफ्रेंड की बात कर रहा होगा, तो कोई गांव की किसी लड़की की बात कर रहा होगा कि वो आज उस खेत में उसके साथ पकड़ी गई। हेलो। इसके अलावा और कुछ बातें होती हैं वहां पे? नहीं होती। अगर बातें होंगी, मैं होंगी भी ना, तो आपका एक दोस्त बोलेगा, यार मैं ना नौकरी करने के लिए निकलने वाला हूँ अगले महीने। बोला कहाँ जा रहे हो? बोला गुड़गांव जा रहे हैं। बात हुई है, एक दोस्त है हमारा, 10,000 लग जाएगा, 4,000 खाएंगे, 6,000 बचाएंगे, साल भर में 70,000 लेके आएंगे। उसको 70 बहुत लग रहा है। अब हम वहीं पे बैठे हुए हैं, अब वहीं पे बैठ के अगर हम बोले हैं कि साल भर में हम महीने का 1,00,000 कमाने के लायक बनेंगे तो क्या होगा? जो चार हमारे साथ बैठे हैं वो हंसेंगे। एक दिन हंसेंगे, हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे दिन फिर वही कमेंट मार के हंसेंगे, तीसरे दिन फिर वही और कमेंट मार के हंसेंगे, चौथे दिन और कमेंट मार के हंसेंगे, पांचवें दिन और कमेंट मारेंगे, छठवें दिन आपके परिवार में कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, 1,000-2,000 रुपए लेने उसी के घर पहुंच गए आप, मदद मांगने के लिए उसी के घर पहुंच गए आप। अब जब फिर छठवें दिन शाम को उसी पुलिया पे बैठोगे ना, तो बोलेंगे और करोड़पति, 1,000 रुपए नहीं देते रे बाप के पास, तो मेरे घर आगे मांगने करोड़ों की बात करता है। हेलो। सातवें दिन आपका विश्वास जो है ना, वो आपसे कहेगा, भाई करोड़ों की मत सोच, पहले 10,000 कमा के घर का ठीक कर ले। सोच बनी? लाख से कहां गई? कहां गई? आवाज नहीं आ रही, कहां गई? ईमानदारी से बताइए, यहां पे 40 से 50 लोग बैठा हुआ है, मैं आप सब से पूछता हूं, इस व्यापार में आने से पहले क्या एक भी ऐसा बंदा यहां पे बैठा हुआ है जिसने ये सोचा होगा कि मैं महीने का 1,00,000 रुपया कमा सकता हूं? आवाज न्यारी, क्या सोचा था? क्या सोचा था? सोच में भी नहीं आया होगा कि जीवन में कभी ऐसा दिन आएगा, जीवन में कभी ऐसा महीना आएगा जिस महीने में 1,00,000 रुपए की आमदनी कर पाऊंगा। यस या नो? संगत का असर देखना। आप जिस दिन बिल्डिंग में आए, आपने माहौल देखा, आपने लोगों को देखा, आपने ट्रेनिंग ली, आपके यहाँ के अपलाइन को देखा, आपने देखा कि यहाँ अपलाइन जो है कोई महीने का 40 कमा रहा है, कोई 50 कमा रहा है, कोई 60 कमा रहा है, यहाँ जो फ्रेंचाइजी लेवल पे कर रहे हैं कोई महीने का 1,00,000 कमा रहा है, तो कोई 1,50,000 कमा रहा है, किसी ने आपको इंसेंटिव भी दिखाया, तो आपके मन में एक विचार आया कि अगर हमारी उम्र का व्यक्ति अभिषेक चौहान 24 साल का है, वो अगर महीने का 1,00,000 रुपया कमा सकता है, हमारी उम्र के शख्स आशीष सिंगर सर 25-26 साल के हैं, अगर वो महीने का 1,25,000 1,50,000 कमा सकते हैं, हमारी उम्र के शांति ओम सर अगर महीने का 60-70,000 कमा सकते हैं, हमारी उम्र के रफीक सर, सुप्रताप सर अगर ये महीने का 40-50,000 कमा सकते हैं, तो मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो मैं महीने की इतनी आमदनी नहीं कर सकता? यस या नो? क्या ऐसा आया आपके मन में? आया ना? ये
सोसाइटी का अंतर है, ये समाज का फर्क है, ये संगत का फर्क है। कल जब आप गांव में थे तो ऐसे लोगों के बीच में बैठते थे जो 10,000, 15,000, 20,000 कमाने के लिए किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री में महीनों ऐसी तैसी करवाते थे, महीनों अपनी मेहनत को बर्बाद करते थे, तब 10, 15, 20 हज़ार रुपये बड़ी मशक्कत के साथ कमा पाते होंगे। यस या नो? तो आपकी सोच में सिर्फ यही था कि 10, 15, 20 हज़ार भी मिलने लग जाए तो भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। यस या नो? लेकिन आज जब इस जगह पर आए, आपने देखा कि ऐसे ऐसे लोग जो हमारी उम्र के हैं, हमसे कम उम्र के हैं, और जो महीने का 18,000 कमा रहे हैं, अभी 3 महीना हुआ है, जो महीने का 20,000 कमा रहे हैं, अभी 4 महीना हुआ है, जो महीने का 40 कमा रहे हैं, अभी 6 महीना हुआ है, जो महीने का 1,00,000 कमा रहे हैं, अभी साल भर हुआ है, तो जब ये कमा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? यस या नो? तो समाज बदला, संगत बदली, तो सोच भी। यस या नो?